तो गाइस यार, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्रेनेड से एक पूरी की पूरी स्क्वाड उड़ाऊंगा, और आज वो दिन आ चुका है। सर के ऊपर मेरे दो बंदे हैं, एक दो तीन। खैर गाइस, ये तो था एक सस्ता वाला जो, जिसके लिए आप लोग लाइक बटन पे दो बार धक्का मार सकते हो। बट गाइस देखो, पबजी मोबाइल का टीजर आज आ चुका है। 11 तारीख को तुम्हारे भाई ने बोला था कि पबजी मोबाइल आ जाएगा। देखते हैं यार, पबजी वाले मेरी इज्जत रखते हैं या फिर मेरे को चौराहे पे आना ही पड़ेगा। वैसे आज का गेम प्ले बहुत ज्यादा तबाही है, तो ध्यान से देखना। और बिहाइंड द सीन तो भाई साहब, I need a weapon. भाई यार, ये M16 इतनी अच्छी कैसे चल रही है? खड़क 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 चलती है बेचारी, कैसे ना कैसे, और ऐसे कैसे चल रही है यार। अरे भाई क्या क्या शॉट था यार। वैसे गाइस, अभी आपको थोड़ी देर बाद 40 सेकंड का एक ऐड देखने को मिलेगा, जिसका पूरा पैसा कोरोना के लिए अपन यूज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है? तो यार फिर मारो। और यहाँ पर ये बंदे नहीं पड़ जाते। खैर गाइस, क्या आप लोग भी गेम खेलकर पैसा जीतना चाहते हो? मैं बताता हूँ कैसे। क्रोम पे जाओ, www.skillclash.com सर्च करो, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाओगे। जी हाँ, मैं उसी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जिसपे लोग गेम खेलकर रोजाना 3,000 से 4,000 रुपए जीतते हैं। सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। इसमें आपको कैरम मिलेगा, क्रिकेट मिलेगा, पूल मिलेगा, स्केप रन और भी बहुत सारे मजेदार गेम्स मिलेंगे, जिनको खेलकर आप लोग पैसे जीत सकते हो। और जीते हुए पैसे पेटीएम, यूपीआई और अमेजन पे से निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे पर्सनली अर्निंग करने के लिए जाते हैं। वैसे गाइस, अभी स्किल क्लैश पे स्किल क्लैश प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें हर हफ्ते एक नया गेम, एक नया टूर्नामेंट हो सकता है, जिनमें पार्टिसिपेट करके आप लोग पैसे कमा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर गेम खेलकर पैसे जीत चुके हैं। तो आप भी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो ये स्क्वाड खत्म होती है, एक और स्क्वाड आती है, और उनको देखो यार क्या ही दिमाग लगाकर निपटाऊंगा। वॉच आउट। अरे उठ जाओ चचा, देखो कौन आया वे। वैसे यार देखो, कल की वीडियो पे वॉइस ओवर नहीं कर रहा था, मेरा सिर थोड़ा फट रहा था और सब कुछ राहुल ने मैनेज करा था, और उसने मेरे को बताया यार कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे थे। कोई दुआ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, भाई मतलब यार बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू यार, मतलब बहुत बड़ा वाला थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, काफी खुशी हुई। एक और बंदा था, रे बॉटा कभी कभी बहुत लोग डरा देते हैं। वैसे गाइस, एमजी को आप लोग नोट कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहा है। राज क्या पता है? मैं बताता हूं। हाँ तो गाइस, बात ये है कि एमजी भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गए थे, बंदे को निपटाया, चिकन डिनर की काफी करीब थे, और एमजी ने बोला चिकन डिनर, और रे भाई हो गया। और वहीं पे एमजी की मम्मी ने दो चप्पल लगा दिया। वैसे अब शांत बैठा है एमजी, बट यहां पर शांति नहीं है, यहां पर बंदे हैं। फिर यहां पर किसी ने मेरे माथे पे बिंदी लगाई थी, टी टी की आवाज आई थी, यानी कि और भी बंदे हैं। Marked a location. So, यहां पर दो बंदे थे, दोनों को डाउन करता हूं। सामने की तरफ वॉर था, उसका किल चुराता हूं, कोशिश करता हूं, बट एक और बंदा था जिसको नॉक कर रहा था, उसको निपटाते हैं। अरे नहीं, थोड़ी देर तक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि बंदा है कहां पे, लेकिन बंदा चढ़ा है स्पीकर के ऊपर। पबजी वाले ने स्पीकर लगाया है गाना बजाने के लिए, लेकिन बंदे बंदों की बजाने के लिए यहां पर बैठ जाते हैं। बट गाइस कोई बात नहीं, यहां पर तुम्हारे भाई ने पकड़ लिया बंदे को, और खत्म।
भाई ये क्या था यार, मतलब बंदा कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आगे आया, जंप लगाया और खत्म हो गया। क्या बात है यार। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एमजी भी निपटता है। मैं बोला भाई क्या चल रहा है यार, टपका टपकी नक्षत्र वाला रोग लग गया है क्या किसी को। वैसे गाइज अभी आगे वीडियो में बहुत ही कमाल के सीन है और बिहाइंड द सीन तो भाई पूछो ही मत, एकदम ओपी है आज का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो देखो यार, आप देख रहे हो INDE अखिल की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को 20,000 लाइक तक पहुंचा देना। बाकी भाई कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब यार पड़ोसी को तेरे डंडा मार के अभी निपटाया और तू भाग रहा है गाड़ी उठाकर नजरों के सामने से, क्या बात है यार। अरे भाई क्या ही वजह यार। और गाइस फाइनली यार यहाँ पर ये सच में खत्म हो गए। हाँ ठीक है, खत्म हो गए। अब एक और वार्ड आता है अपना हाजमोला, इसको निपटाते हैं। अब गाइस यार यहाँ पर लगभग मेरे 20 किल हो चुके थे। आगे 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 जाते रहता हूँ कि देखता हूँ लेफ्ट साइड में बग्गी खड़ी है, बग्गी की साइड में बंदा खड़ा है, तो चलो यार बंदे को निपटाते हैं। भाई ये बंदा मेरे को पक्का नूब लग रहा है, मतलब इतने देर से ओपन में हूं और इसने मेरे को निपटाया तक नहीं, क्या बात है यार। आगे स्वाद। अबे यार चीटिंग है यार, ये इतने प्यार से मारे जा रहा था, मेरे को लगा नूब है बंदा, निपटा देते हैं थोड़ा हीरो बन के, बट निपट गए, कोई बात नहीं है। MG भाव आ रहे हैं सामने की तरफ से, वो देखो। अरे भाई वाह, अरे वाह सर जल्दी आ जा आ जा आ जा। अरे भाई क्या रफ्तार है यार, ब्रेक भी नहीं लगाया बंदा, आगे चला गया। मेरे को लग रहा है कि मैं बच जाऊंगा, MG भाव को डैमेज पड़ा, बच गया। अरे भैया खैर यार यहां पर मैं बचता हूं, अब बंदा नहीं बचेगा। सच में यार ये बंदा नूब था और उससे बड़ा नूब मैं जो कि इसके हाथों नॉक हो गया। खैर अभी आगे जाता हूं सामने की तरफ बंदे हैं और ये तो यार यहां पर ये बंदे निपटते हैं। और गाइस पहला वाला ग्रेनेड कैसा था, पसंद आया तो देखो, ओपी ओपी करने की जरूरत नहीं है कमेंट में। आप वीडियो देखते हो ना यार, वो बहुत 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 बड़ी चीज है मेरे लिए। वैसे यार वॉइस ओवर वाले वीडियो पे कम व्यू हुआ है, क्या चक्कर है भाई, वॉइस आपको ज्यादा पसंद आती, कोई बात नहीं। खैर अभी यहां पर MG वाओ पीछे की तरफ ठक 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 कुछ किए जा रहे थे, बोल नहीं सकते थे क्योंकि दो चप्पल खा चुके हैं और इस बार पक्का जूता ही खाने को मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं क्या है। तो गाइस कुछ आपने नोटिस करा नहीं करा तो देखो यार किल फीड में एक बंदा कूद कर नॉक हुआ है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके, तो यहाँ तक 24 किल हो चुके हैं और एक 25, ठीक है। अब यहाँ पर किल करने के बाद जाता हूँ और नॉक एक बंदे को किया था, याद है ना, उसको ढूंढते हैं। ओके, तो चचा हमारे झाड़ियों में छुपे हुए हैं, इनको निपटाता हूँ। और देखो यार, मेरे पास सब कुछ है, मतलब बम है, गोली है, गोली के लिए बंदूक है, सब कुछ है। बट भाई पता नहीं क्यों ना यार, एक मन से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है कि अखिल ये पेटी भी लूट ले यार, मतलब रह नहीं पाते पेटी लूटे बिना। वैसे अभी इनका चौथा बंदा बचा है, आगे बढ़ते हैं। तो यार ये था इनका चौथा बंदा, जो कि झाड़ियों में बैठ के हरी वाली पावर यूज करके गिली पहन ही रहा था कि इसकी गिली उतार देते हैं। वैसे अभी यहाँ पर आखिरी दो बंदे बचे हुए, हम लोग भी आए थे इस पहाड़ पर, यहाँ पर आपका आना जाना होता नहीं है, मेरे को पता है, कोई नहीं आता इस खंडहर में, क्वेरी नाम है भाई, मतलब कोई आता नहीं है कैंपर्स के अलावा। और आखिरी दो बंदे बचे थे और ओके, तो पहला बंदा क्या, दूसरा बंदा भी निपट जाएगा। लेकिन गाइस, चिकन डिनर के बाद आपको याद है ना, बिहाइंड द सीन आएगा, वो मिस मत करना। गाइस फाइनली ये था आज का चिकन डिनर 29 किल के साथ। कमेंट में मेरे को बताना कैसा लगा। बाकी बढ़ते हम लोग बिहाइंड द सीन की तरफ। I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate in God. I'll never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Standing on the ground to where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright.
सही में भाई फायर आया यहाँ तक मेरे। वैसे गाइज आपको बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, तो देखो यार अपने दोस्त को बुरी तरह हराया और देखो ये पैसे भी आ गए पेटीएम यूपीआई पे। और हाँ गाइज आईपीएल का सीजन है तो स्किल क्लैश प्रीमियर लीग खेल सकते हो आप लोग स्किल क्लैश पे और ढेर सारे पैसे जीत सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।